हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लक्की एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लक्की द राइडर। तो दोस्तों, आज हम इन्फिनिक्स हॉट एट मोबाइल जो कि 7000 की प्राइस रेंज के अंदर है, 4GB 64GB मेमोरी के अंदर, तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसी पैकिंग के अंदर वो मेरे को रिसीव हुआ है। एंगल अच्छा आ रहा होगा। सबसे पहले आपको मिलती है इनवॉइस, बिल बोल सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे मेंशन है, देख पा रहे होंगे आप, इन्फिनिक्स हॉट एट 64GB, रेट मेंशन है और बाकी कुछ नहीं है। चलो इसको साइड में करते हैं। बॉक्स देखिए, ये है वो एक्चुअल बॉक्स के ऊपर, इसकी एक्चुअल इमेज है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ये लॉट एक्स्ट्रा 4GB 64GB वेरिएंट है ये, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग हॉट एट। बॉक्स पे और कुछ ज़्यादा मेंशन है नहीं, ईएमआई नंबर्स वगैरह हैं। और बॉक्स के पीछे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मेड इन इंडिया, भारत में बना हुआ है। और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं, आप फोर्ज करके देख सकते हैं। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक, और उसका एक्चुअल जो प्राइस जो कंपनी ने लॉन्च किया 8990 वो इस पर मेंशन है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा फोन निकलता है अंदर। इसके काफी अच्छी तरह से पैक्ड है। इधर से करते हैं, देखते हैं किधर से होगा ये। हाँ, ये हो गया ओपन। तो चलिए करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कैसा निकलता है। इस प्राइस सेगमेंट में सिर्फ 699 में ये हमें मिला है। तो देखते हैं, ये देखिए दोनों साइड इसकी इन्फिनिक्स ब्रांडिंग की सील्स। इसको हम ओपन करते हैं और इस साइड भी है, दोनों साइड है। देखते हैं बॉक्स में कैसा निकलता है ये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको साइड में करते हैं, ये मेन डिवाइस हमें मिलती है बॉक्स के अंदर। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, फिंगरप्रिंट सेंसर, ट्रिपल रियर कैमरा विद क्वाड फ्लैश, 4 फ्लैश हैं। और इस साइड में सिम स्लॉट, पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम रॉकर्स, माइक्रो यूएसबी स्पीकर स्क्रिल, माइक्रोफोन, हेडफोन जैक, बस इतना ही है इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाव, काफी अच्छी फिनिश दे रखी है इसके अंदर। बैक साइड का भी हटा देते हैं हम। फुल प्लास्टिक का है ये, ब्रांडिंग है इन्फिनिक्स हॉट, डिजाइंड बाय इन्फिनिक्स। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। अभी इसको करते हैं पावर ऑन और देखते हैं तब तक, ये जब तक पावर ऑन होता है। देखिए आ चुका है इन्फिनिक्स पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो ये जब तक पावर ऑन होता है, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या इंक्लूड है। बॉक्स में हमें मिलता है माइक्रो यूएसबी केबल, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी भी। के साथ में हमें मिलता है अडेप्टर, ये है अपना 2 एम्पेयर का अडेप्टर है। जी हाँ, 2 एम्पेयर का, आप देख पा रहे होंगे, आप मैं देखता हूँ फोकस करके दिखाने की आपको कोशिश। 2 एम्प का इसके साथ अडेप्टर मिलता है। सिम इजेक्टर टूल्स इसके साथ, ये वाला, और इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन इसकी कुछ फॉर्म्स के, ये इनको रखते हैं साइड में, वारंटी कार्ड्स वगैरह या इनकी यूज़र मैनुअल्स। और ये है इसका एक बैक कवर, देख पा रहे हैं आप, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ इसका बैक कवर है। आप देखिए इसमें टेक्सचर, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, फिनिश काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ में हमारे पास को मिला एक स्क्रीन गार्ड, ये अच्छा किया इन्होंने, ये स्क्रीन गार्ड साथ दे दिया है। तो करते हैं अपने फ़ोन को स्टार्ट
और देखते हैं उसके आगे, इसको करते हैं साइड में। मैं करता हूं इसको जल्दी से बूट, स्टार्ट, स्किप, स्किप, कंटिन्यू, जस्ट ए सेकंड, डेट एंड टाइम्स, ये हम बाद में करेंगे इसको, स्किप करते हैं इसको भी, स्किप एनीवे, ये भी स्किप है, और नॉट नाउ, स्किप एनीवे। हमारे पास कंट्री अपनी, हम कंट्री चूज करते हैं इंडिया। नेक्स्ट, यूजर एग्रीमेंट, इस पे क्लिक, एक्सेप्ट, एटस, 8 सेकंड पर रिस्टार्ट द फोन। ओके, ये कुछ इसकी, रिमूविंग इंटरनल बैटरी विल डैमेज द फोन। ओके नेक्स्ट, देखिए शुरू हो चुका है, iOS चीता बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 9, आप देख पा रहे हैं अभी स्टार्ट हो गया iOS लॉन्चर। वाओ, काफी स्मूथ इसका इंटरफेस है, देख पा रहे हैं आप, अभी कुछ ये मांग रहे हैं ऐसे ही, देखते हैं इसमें और कुछ एक्स्ट्रा। वाओ, मेनू इसके अंदर से आती है तो आप देख सकते हैं, कुछ फ्री लोडेड इसमें गेम्स वगैरह हैं तो देखते हैं। हाँ, ये अनइंस्टॉल हो सकते हैं, इंस्टाग्राम फ्री लोडेड है, और इसके अलावा व्हाट्सएप भी है अपने पास, एवरीथिंग प्री लोडेड है। तो एक बार इसकी सेटिंग में जाके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मेमोरीज वगैरह। अबाउट फोन में जाते हैं, सिस्टम, देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, iOS चीता वर्जन 5.0.2, 4GB रैम, 64GB इंटरनल, 8 MP का फ्रंट कैमरा, 13 MP ट्रिपल कैमरा, 2 GHz पे है, 5000 mAh की बैटरी, और बाकी कुछ और स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं इसके। तो चलिए और देखते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, फिर इसमें सिम डाल के हम इसको चेक करते हैं। अभी इसमें सिम डालते हैं और उसके बाद करते हैं इसको। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ इसमें कैसा स्लॉट मिलता है, डेडिकेटेड है, बाहर तो मेंशन नहीं था डेडिकेटेड है, देखते हैं अभी। वाओ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डबल सिम और एसडी कार्ड, ट्रिपल स्लॉट है इसके अंदर। तो चलिए सिम डालते हैं, शुरू करते हैं इसको। काफ़ी अच्छा है मोबाइल, जिस प्राइस रेंज में हमें वो मिलता है, सिर्फ 7000 के रेंज में काफ़ी अच्छा मोबाइल है, और उसके फीचर्स हैं, ट्रिपल कैमरा है, सेल्फी कैमरा विद फ्लैश है, हाँ 13 MP का है, लेकिन आप 7000 में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के लिए बेस्ट कैमरा है, बेस्ट मोबाइल है, और 5000 mAh की बैटरी। एक तो इशू है जो मेरे को लगता है कि उन कंपनी को सॉल्व करने चाहिए, जैसे कि आजकल मिनी USB का टाइम है ही नहीं, तो आप उसकी जगह आप टाइप सी पोर्ट दे सकते थे, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से सही है, बजट फ्रेंडली फ़ोन है। जो दोस्त जिनका बजट 8000-10000 उससे भी नीचे है तो उसके लिए सही है कैमरा मोबाइल, आपको 7000 के रेंज में 6.5 के सम इंच के लगभग आपको डिस्प्ले मिलती है, और 5000 mAh की बैटरी मिलती है, ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है विद फ्लैश एंड सेल्फी कैमरा विद फ्लैश मिलता है आपको। तो काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, 4GB रैम है, आप मल्टीटास्किंग अच्छे से कर सकते हो, फ़ोन में कोई लैग कोई हैंग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। और इससे ज़्यादा रिव्यू तो कैमरे की क्वालिटी का रिव्यू मैंने किया है, मैं आपको स्क्रीन पे कहीं भी, या हो सकता है कि मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा, जो भी उसकी क्वालिटी एक्चुअल क्वालिटी कैमरे की है वो आप चेक कर लेना, खुद डिसाइड करना कैसी है और कैसी लगी फ़ोटोज़ या उसकी क्वालिटी इस प्राइस रेंज के हिसाब से, ये मेरे को कमेंट्स करके नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अच्छे से बताना। और चलो बस यही है, आप इन फ़ोटोज़ को देखिए और अपना रिव्यू दीजिए।